अगर जिंदगी उड़ान है तो जज्बात उसके पंख। इन जज्बातों को रोशन करने के लिए चाहिए एक तरंग। कुछ ऐसी ही तरंग मिली हमारी रोशनी को। रोशनी राजस्थान के एक छोटे से गांव धामपुरा में रहने वाली 12 साल की लड़की है। अपने नाम जैसी ही है रोशनी, उसे अंधेरा पसंद नहीं। रोशनी की जिंदगी में उजाला हुआ भारत सरकार की अभिनव कोशिशों से। सरकार के उजाला योजना के तहत गांव-गांव, घर-घर 24 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए और ये विश्व की सबसे बड़ी एलईडी बल्ब वितरण योजना है। उपभोक्ताओं के सालाना 12,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। इससे घर में दूसरी खुशियां जोड़ी जा रही हैं। गरीब को कम बिजली का बिल आए, ऐसा लट्टू चाहिए, ऐसा पंखा चाहिए ताकि महीने भर में उसके 100-200 रुपया, 250 रुपया बच जाए, बिजली का बिल कम हो जाए, तो उन पैसों से घर के छोटे बच्चों को दूध पिला सके। अंत्योदय यानी छोर पे खड़े आखिरी व्यक्ति के उदय का प्रण लेकर भारत सरकार ने इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया। सस्ती, स्वच्छ और विश्वसनीय बिजली, यही उदय योजना का आधार है। घरेलू उत्पादन करके कोयले की कीमतों पर लगाम लगी और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता पिछले 3 सालों में 40% बढ़ी है। साथ ही साथ उत्पादन क्षमता में लगभग 1/3 बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों से बिजली की लागत में कमी हुई है। विद्युत वितरण तंत्र और प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और IPDS योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बिजली मुहैया करवाने के लिए 1,25,000 करोड़ का संयुक्त निवेश होगा। साल 2016-17 में रिन्यूएबल ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा के उत्पादन क्षमता में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नेट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी ने नेट परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन क्षमता को पीछे छोड़ दिया है। अगर रिन्यूएबल ऊर्जा के उत्पादन की यही रफ्तार रही तो साल 2022 तक 1,75,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे और ये पूरे विश्व में एक कीर्तिमान होगा। और मैं समझता हूं कि पेरिस एग्रीमेंट ये एक सांझी विरासत है, ये और विश्व की सांझी विरासत है। इस पीढ़ी की ये ऐसी देन है जो भावी पीढ़ी की भी विरासत बनने की लिए एक नई आशा को जन्म देगी। यही नहीं, सौर ऊर्जा का प्रति यूनिट शुल्क 2.44 रुपए अभी तक का सबसे कम शुल्क है और ये मुमकिन हो पाया है पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया की सरकारी पहल से। 3.46 रुपए प्रति यूनिट में वायु ऊर्जा उपलब्ध हो पाई है। ईमानदारी की नींव पर आम जनता का विश्वास जीतते हुए मोदी सरकार ने देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स पर 2015 के 99 अंक के मुकाबले 2017 में भारत 26वें स्थान पर है। कोयला उत्पादन में 2013-14 के मुकाबले 2016-17 में 9 करोड़ टन की बढ़त हुई है। यही नहीं, ये पहला अवसर है जब हमारा देश पावर सरप्लस बन गया है। भारत विश्व के मानचित्र पर उज्ज्वलित है और आप सबका साथ ही विकास है। 1000 दिनों में 18,452 गांवों में विद्युतीकरण का सपना साकार होने को है। 6 जून 2017 तक
13,598 गांवों को बिजली पहुंचा दी गई है। लक्ष्य ये है कि बचे हुए गांवों में भी जल्द से जल्द रोशनी पहुंचे, और साथ ही जिन गांवों में बिजली पहुंच चुकी है अब वहां के घर घर को भी रोशन कर दिया जाए। पहले मेरे गांव में बिजली नहीं आती थी, अब आने लगी है। बिजली आने के वक्त मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ, खेल भी सकती हूँ और ठंडी ठंडी हवा भी खा सकती हूँ, और मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने आस पड़ोस का इलाज करूँगी। आज रोशनी को उम्मीद की किरण मिली, एक रास्ता दिखा, एक तरंग मिली। अब वो अंधकार को पार कर आसमान को छूना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। 125 करोड़ देशवासियों की यह बदलाव की चाह, यह बदलाव का प्रयास, यही तो है जो नए भारत, न्यू इंडिया, इसकी मजबूत नींव डालेगा। सरकार के ऐसे प्रयासों से भारत की लाखों रोशनियों के सपने बिजली की रोशनी में जगमगा रहे हैं। बिजली यूं ही जगमग रही तो अब उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस विकास की डगर पर टीम इंडिया ऐसे ही सपनों को पंख देती है, उड़ने के लिए, बढ़ने के लिए।